नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। गैंगस्टर राजू ठेठ की गोली मारकर हत्या करने के बाद में माना यह जा रहा है कि सीकर जिले में हालात बिगड़ सकते हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो सीकर जिले के एसके हॉस्पिटल के मोर्चरी की हैं, जहां पे काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और उन्होंने अपनी कुछ मांगे हैं वो प्रशासन के सामने रखी हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो एक बड़ी खबर ये भी मिल रही है कि जब हत्या राजू ठेठ को गोली मारकर भाग रहे थे तो नागौर से सीकर की कोचिंग में पढ़ रही एक लड़की से मिलने आए उसके पिता को भी हत्यारों ने नहीं छोड़ा और उसे भी अपनी चपेट में ले लिया। फायरिंग में एक निर्दोष व्यक्ति की भी जान गई है, ऐसी बड़ी खबर अभी सीकर से मिल रही है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि सीकर एसके हॉस्पिटल के मोर्चरी के बाहर से किस तरीके का नजारा है। काफी संख्या में लोग यहां इकट्ठे हो रहे हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए लोग एसके हॉस्पिटल में धरने पर बैठ गए हैं। खबर यह भी है कि राजू ठेठ की मौत के बाद लोगों में काफी आक्रोश है। जाट समाज की ओर से सीकर की दुकानों को बंद करवाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग पैदल चलते हुए पूरे मार्केट को बंद करवा रहे हैं। वहीं काफी संख्या में लोग हॉस्पिटल में धरने पर बैठे हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में कुछ आरोपियों को चिन्हित किया है। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने उदयपुर जिले के राठौड़ों का घुड़ा गाँव के रहने वाले पर्वत सिंह को संदिग्ध माना है। इस आरोपी के पास उसी तरह की गाड़ी है जो सीकर में शनिवार को हमलावर लेकर पहुंचे थे। ये युवक भी आनंदपाल गैंग से जुड़ा हुआ है, लंबे समय से नागौर और सीकर क्षेत्र में आता जाता रहा है। वहीं आनंदपाल के भाई मंजीत के भी संपर्क में यह व्यक्ति रहा है। सूत्रों की माने तो उसने कई बार मार्बल और माइनिंग व्यापारियों से उदयपुर में लॉरेंस विश्नोई के नाम पर फिरौती मांगी है। हालांकि फिरौती पर किसी थाने में कोई मामला अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। राजू ठेठ की हत्या पर कांग्रेस नेता और लाडनू विधायक मुकेश बागर ने पुलिस को आड़े हाथों लिया है। अपने ट्विटर से उन्होंने एक पोस्ट किया है, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राजस्थान को यूपी बिहार बनने से बचाएं।